नमस्कार दोस्तों, मैं वनश्री आप सभी लोगों का न्यू टीआरपी चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंक शास्त्र के बारे में। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी। हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी होती क्या है, अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध होता है। यही जानने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर मिलिंद महाडिक। सर नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे न्यू टीआरपी चैनल में। सर, ये न्यूमरोलॉजी यानी जिसे हम अंकशास्त्र भी कहते हैं, जी जी, सो एग्जैक्टली हमारा कैसे कनेक्शन है एंड ये न्यूमरोलॉजी होता क्या है? देखिए मुनीश जी, ये न्यूमरोलॉजी जो है अंक, ये अपने जिंदगी में बहुत कुछ असर करते हैं। okay. हर एक पल हम लोग अंक से जुड़े हुए, एक नंबर से जुड़े हुए। ये स्टार्टिंग होती है अपने बर्थ से ही। बर्थ से जैसे अपन बोलते हैं बच्चा पैदा हो गया, उसका टाइमिंग का है कि वो 8:33, 8:45 या 10:40, ये वही सब जुड़ जाते हैं उसके और उसका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से अंक अपने जो पीछा करते हैं वो आखिर तक पीछा चलते ही रहता है। जैसे हर एक मोमेंट में हम लोग किसी ना किसी बहाने अंकों का इस्तेमाल करते ही करते हैं कि कोई भी मीटिंग हो तो कितने बजे मिलना है, 8:30 बजे मिलना है, 9:30 बजे मिलना है, 10:30 बजे मिलना है, कुछ तो एक टाइमिंग फिक्स होता है, दिन फिक्स होता है, वो भी डेट के सहारे। ऐसे ही हम लोग हर वक्त नंबर के सारे जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर, फ्लैट नंबर, गाड़ी नंबर, जो भी है सब नंबर से, पैन कार्ड नंबर, कोई भी हो वो नंबर के सहारे जुड़ी हुई है। और यहां तक कि कंप्यूटर की जो भाषा है वो भी नंबर के रिलेटेड है। ये सब नंबरों का खेल है। तो आप और हम मिलके आज से जान लेते हैं ये नंबर क्या है और ये नंबर की चाल क्या है और वो चाल में कैसे बदलाव करके अपनी जिंदगी आसान कर सकते हैं। तो ये नंबर में क्या आते हैं, नंबर्स 0 to 9, 1 से 9 नंबर से, बेसिक नंबर 1 से 9 है। तो 1 से 9 लेके या है, हर एक नंबर को एक ग्रह की उपमा है। अच्छा, यानी एक बोले तो सूर्य, दो बोले तो चंद्र, ऐसे हर एक नंबर को एक ग्रह की उपमा है। हर एक नंबर से एक वाइब्रेशंस निकलती है। जब भी आप एक नंबर को देखते हैं ना, उसमें से जो वाइब्रेशन निकलती है और नौ नंबर को देखती है उसमें से जो वाइब्रेशन निकलती है, इसमें तफावत है। अच्छा। दोनों अलग अलग वाइब्रेशंस निकलती है और उस वाइब्रेशंस का अपनी जिंदगी के ऊपर असर होता है। अच्छा। तो वो वाइब्रेशंस का अपने को कैसे उसका यूटिलाइजेशन करके अपनी जिंदगी आसान बनानी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे जाके। तो हर एक नंबर, उसमें से निकल वाले वाइब्रेशंस और उसमें होने वाला अपने जिंदगी के ऊपर असर, और ये होता है। अच्छा। आप जब भी हम लोग बात करते जाएंगे तभी अपने को मालूम पड़ेगा वो कैसे करता है। ओके। और आप भी बोलोगे कि यस, इससे तो अपने की जिंदगी संवारी जा सकती है, सुधारी जा सकती है। ओके। और वही जानेंगे हम आगे आने वाले कई एपिसोड। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। सो दोस्तों, आप लोगों को हमारा आज का ये एपिसोड कैसे लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारा न्यू टीआरपी चैनल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।